हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 11 के विषय हिंदी का गृह कार्य, जो कि दिनांक 29 सितंबर 2021 को दिया गया है। इस गृह कार्य में टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य की एकता पर जोर देने की आवश्यकता क्यों है। हमें यहाँ एक गद्यांश दे रखा है जिसे रीड करना है केयरफुली और इससे रिलेट क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, भारतीय साहित्य की एकता पर जोर देने की आवश्यकता क्यों है। यहाँ आंसर लिखेंगे, भारतीय साहित्य की एकता पर जोर देने की आवश्यकता इसलिए है कि आज संसार के समक्ष भविष्य की स्थिति बहुत कुछ डावाडोल हो गई है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, किस प्रकार की शक्तियां बलवती हो गई हैं। आंसर लिखेंगे, विघटनकारी शक्तियां बलवती हो गई हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नई सभ्यता में भारतवर्ष को क्या चेष्टा करनी चाहिए। यहां आंसर लिखेंगे, नई सभ्यता में भारतवर्ष को अपने साहित्य, अपनी कला और अपने जीवन दर्शन द्वारा संसार को एक नया आलोक अथवा एक नवीन दिशा ज्ञान देने की चेष्टा करनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, संसार के विचारकों की क्या धारणा है। यहाँ आंसर लिखेंगे, संसार के विचारकों की धारणा है कि भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन दर्शन उन्हें एक नया मार्ग निर्देश दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में नई प्रगति को दौड़कर अपनाने की अपेक्षा अपने साहित्य वैभव की ओर दृष्टिपात करना अधिक अच्छा होगा। और लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, भारतीय साहित्यकारों का क्या योगदान रहा है। आंसर लिखेंगे, भारतीय साहित्यकारों ने देश में विविधता में एकता लाने की चेष्टा की है। उनके इस विशेष योगदान द्वारा वैदिक साहित्य द्वारा सारे देश में एक सी धार्मिक भावना, एक सी यज्ञ पद्धति और एक सा दार्शनिक आधार प्रतिष्ठित हुआ है। आज भी भारतीय ग्रहों में वैदिक संस्कार विधियां प्रचलित हैं। तो ये था कक्षा 11 के विषय हिंदी का कंप्लीट गृह कार्य, जिसमें हमें एक अपठित गद्यांश दे रखा था जिससे रिलेट हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसी तरह हम आगे भी और भी गृह कार्य देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।